नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर वन चैनल। जी हाँ, पे से 14 अक्टूबर और सोमवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 25 सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरें एंड मुख्य समाचार। और हिंदू पंसा के अनुसार आज हो चुकी है आश्विन माह और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। और बात कर लेते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाया गया। 2018 में लगाया गया था राष्ट्रपति शासन। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन से पहले राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश रविवार देर रात भारत राजपत्र ने जारी किया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रपति मुर्मू ने नए मुख्यमंत्री की शपथ के तुरंत पहले राष्ट्रपति शासन खत्म करने के आदेश जारी किए हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले विधानसभा चुनाव 10 साल पहले 2014 में हुए थे। चुनाव के बाद भाजपा और पीडीपी ने गठबंधन सरकार बनाई थी। 2018 में भाजपा के समर्थन वापस देने के बाद सरकार गिर गई थी और महबूबा मुफ्ती ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। अब आखिरकार राष्ट्रपति मुर्मू ने जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटा दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरों की। और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के पैनल पर लगी मुहर। हर सीट पर 3 नाम हुए फाइनल। कोर कमेटी की बैठक में वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रदेश बीजेपी ने पैनल तैयार कर लिया है। रविवार को सीएमआर में हुई प्रदेश कोर कमेटी की बैठक ने प्रत्याशियों के पैनल पर मुहर भी लगा दी है। दिल्ली में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हो रही बैठक में इस पैनल को रखा जाएगा। इस बैठक में राजस्थान से सीएम अजय शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेश प्रभारी विजय राहटकर बैठक में मौजूद थी। सीएमआर में आयोजित हुई प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई। वहीं केंद्रीय भूपेंद्र यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, सतीश पूनिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में जुड़े। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में इस बार दीपावली 2 दिन रहेगी। दीपावली पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन कौन सा है? राजस्थान में भी इस सवाल के जवाब पर विद्वानों में भ्रम की स्थिति है। ऐसे में आपको बता दें कि राजस्थान में इस बार 2 दिन दीपावली रहने वाली है। 11 जिलों में 31 को अमावस्या पर सहमति बनी है तो राजस्थान के 16 जिलों में 1 नवम्बर को दीपावली मनाई जाएगी। 31 अक्टूबर को मनाई तो वहीं कुछ लोगों ने 1 नवम्बर को दीपावली पूजन के पक्ष में अपनी प्रतिक्रिया दी है। कार्तिक अमावस्या की तिथि 2 दिन होने के कारण दीपावली की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विद्वानों और शास्त्रियों की अलग अलग राय के कारण 11 जिलों में 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन किया जाएगा, जबकि अजमेर भीलवाड़ा समेत 16 शहरों में 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। वहीं जोधपुर बीकानेर समेत 5 जिलों में 2 दिन दीपावली मनाने पर सहमति बनी है। अलवर में ज्योति आश्रयों की बैठक के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, उदयपुर बांसवाड़ा समेत 5 जिलों में भारी बारिश। दिन का तापमान गिरा। रावतभाटा में राणा प्रताप सागर बांध का 1 गेट खोलकर पानी की निकासी। अरब सागर में बने नए सिस्टम का असर दक्षिण के दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में दिख रहा है। रविवार सुबह से उदयपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा में रुक रुक कर बारिश हुई। डूंगरपुर में सुबह करीब 7 बजे से आधे घंटे तक बारिश हुई थी। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा क्षेत्र में शनिवार देर रात से जारी बारिश के चलते राणा प्रताप सागर बांध में पानी की आवक बढ़ गई। इसके चलते रविवार को एक बांध का गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू की गई। उधर राजस्थान के 19 से ज्यादा जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर सहित 19 जिलों के अंदर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगली बड़ी खबर, जयपुर में ट्रेनी एसआई के परिवारों ने दिया धरना। भर्ती रद्द हुई तो 809 का करियर खतरे में होगा, बोले आरपीएससी की गलतियों की सजा निर्दोष लोग क्यों भुगतेंगे। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर रविवार को बड़ी संख्या में ट्रेनी एसआई के परिवारों ने जयपुर में धरना दिया। परिवार वालों की मांग है कि सरकार इस परीक्षा को निरस्त न करें। जो लोग गलत तरीके से इस परीक्षा को पास करके ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करे। बेकसूरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। एसआई के परिजनों ने सीएम से मिलने का समय भी मांगा है। इनके पक्ष में तमाम संगठन भी आए हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के इन 2 जिलों में दिवाली पर नहीं सड़केंगे पटाखे, बाकी जिलों में 2 घंटे हो पाएगी आतिशबाजी। राजस्थान के 2 जिलों में दिवाली पर आतिशबाजी नहीं करवाएंगे, जबकि बाकी जिलों में मात्र 2 घंटे के लिए पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है। इस बार दिवाली न आतिशबाजी की दुकानें लगेगी और न ही पटाखे चलाए जाएंगे। प्रशासन ने एनसीआर नियमों की पालना के लिए तैयार कर ली है। आतिशबाजी बेचते हुए पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर प्रशासन की ओर से छापेमार अभियान भी चलाया जाएगा। वहीं अलवर और भरतपुर जिले जो हैं
यह भारतीय राष्ट्रीय राजधानी NCR में आते हैं। ऐसे में वायु गुणवत्ता सूचकांक में वृद्धि न हो इसके लिए लागू किया जाता है। राजस्थान के इन दो जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में आतिशबाजी रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 2 ही घंटे हो पाएगी। ग्रीन आतिशबाजी की दूसरे जिलों में अनुमति दी गई है। अगली बड़ी खबर, 10 अप्रैल राजस्थान के CM अजलाज शर्मा की बड़ी घोषणा, पशुपालक खुशी से झूम उठे। प्रदेश के सूबे के CM अजलाज शर्मा ने राजस्थान के पशुपालकों को दीपावली की बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री अजलाज शर्मा ने पशुपालकों के लिए बड़ी घोषणा की है। CM अजलाज शर्मा ने कहा कि दुग्ध उत्पादन के लंबित दायित्वों का 1 सप्ताह में अब भुगतान होगा। दशहरे पर राजस्थान के पशुपालकों को ये बड़ी सौगात दी गई है, जिसमें आपको बता दें कि इसी क्रम में मुख्यमंत्री अजलाज शर्मा ने प्रदेश के पशुपालकों को दीपावली की सौगात देते हुए दूध उत्पादन से संबंधित सभी लंबित जो दायित्व हैं उनके 1 सप्ताह में भुगतान की घोषणा कर दी है। 63 करोड़ से रुपए अधिक जारी किए गए हैं। CM अजलाज शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने डेयरी से जुड़े पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन पर दे 5 रुपए प्रति लीटर के लंबित दायित्वों के भुगतान के लिए हाल ही में 63 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, अजलाज सरकार खत्म करेगी नए बने छोटे जिले, वन स्टेट वन इलेक्शन के चलते टल सकते हैं पंचायत चुनाव। अजलाज सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन योजना के तहत 7,000 ग्राम पंचायतों और नगर निकायों की चुनाव टालने पर मंथन कर रही है। साथ ही नए जिलों को समाप्त करके उनकी सीमा पुनर्निर्धारित करने की योजना है। इस निर्णय से पंचायत चुनाव 2025 में होंगे और राज्य प्रशासक नियुक्ति करेगी। राजस्थान में गहलोत राज में बनाए गए नए जिले को लेकर आखिर क्या होगा, इसको लेकर प्रदेश में लगातार चर्चाएं हो रही हैं। इसी बीच अजलाज सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर भी जुटी हुई है। अब कयास है कि अजलाज सरकार की रिव्यू कमेटी के फैसले के बाद छोटे जिलों को समाप्त करके नए सिरे से सीमाएं निर्धारित की जाएंगी। इसके बाद सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन फार्मूले के तहत पंचायत राज के चुनाव कराएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले साल जनवरी महीने में होने वाले पंचायत राज के चुनाव फिलहाल टलेंगे। कयास है कि इससे पहले सरकार छोटे जिलों को समाप्त करके उनकी सीमा निर्धारित करने का काम करेंगी। कानून मंत्री जिलों को समाप्त करने के दे चुके हैं संकेत। 17 जिलों को लेकर हर दिन नई चर्चाएं गर्म है। सरकार ये संकेत दे चुकी है कि नए जिलों में से 7 जिलों को समाप्त किया जा सकता है। इसको लेकर सरकार ने ये निर्णय फिलहाल विचाराधीन है। अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए राहत भरी खबर, समर्थन मूल्य पर फसल बेच सकेंगे किसान। प्रतिकूल मौसम में धरती का सीना सिर के ऊपर झुकाने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है। किसानों को आर्थिक संबल देने के लिए केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य पर मूंग और मूंगफली की खरीद के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया है। बता दें कि इसमें आपको बता दें कि आवेदन 15 अक्टूबर से पंजीयन शुरू होंगे, जिसमें आप पंजीयन करके प्रदेश में इस माह की खरीद शुरू होने के आसार हैं। खरीद शुरू करने के लिए आज राजफेड के अधिकारियों की समीक्षा बैठक होगी। इसके बाद खरीद शुरू करने की तारीख तय की जाएगी। इसमें दलहन तिलहन खरीद की सीमितवार गत वर्षों के लंबित क्लेम के मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। इधर क्रय विक्रय स्तर पर समर्थन मूल्य यानी MSP पर व्यवस्थाएँ पूरी कर ली गई हैं। इसमें तुलाई लदाई परिवहन और भंडारण से संबंधित सभी व्यवस्थाएँ समिति स्तर पर राजफेड की ओर से की गई हैं। बता दें कि मूंग की करीब 43,000 हेक्टेयर में, मूंगफली की करीब 24,000 हेक्टेयर में बुआई है। राजस्थान में मूंग की खरीद 86 रुपये और मूंगफली की खरीद 66 रुपये के हिसाब से MSP पर की जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर, पूर्व राज्यसभा सांसद और पूर्व DGP ज्ञान प्रकाश पिलानिया का हुआ निधन, जाट आरक्षण आंदोलन की अगुवाई उन्होंने की थी। पूर्व राज्यसभा सांसद और राजस्थान के पूर्व DGP डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया का रविवार को जयपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। अगली बड़ी खबर, झुंझुनू में आया धर्म परिवर्तन का मामला, 13 से अधिक लोग हिरासत में। झुंझुनू जिले के सिंगाना थाना क्षेत्र के डुमोली खुर्द गांव में रविवार शाम को कुछ लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन करवाने की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद और संघ के पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। झुंझुनू में धर्म परिवर्तन के मामले में 13 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। अगली बड़ी खबर, अमित शाह चुनेंगे हरियाणा का CM, BJP ने 2 ऑब्जर्वर तय किए, 16 को होगी विधायक दल की बैठक, अनिल विज नड्डा से मिले। हरियाणा के नए CM के चुनाव के लिए BJP ने अमित शाह को ऑब्जर्वर लगा दिया है। उनके साथ MP के CM मोहन यादव भी रहेंगे। भाजपा हाईकमान ने 2022 के बाद अमित शाह को पहली बार किसी राज्य में विधायक दल का नेता चुनने के लिए ऑब्जर्वर बनाया है। ऐसे में माना जा रहा है कि हरियाणा का CM अब अमित शाह चुनेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, PM आवास योजना की सब्सिडी वापस ले सकती है सरकार, इसमें देनी होगी बढ़ी हुई EMI, इसको लेकर जारी हुए नियम। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAI द्वारा दूसरे चरण हाल ही में शुरू किए गए हैं।
इसमें पात्र व्यक्तियों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के माध्यम से होम लोन पर रियायत मिलती है, लेकिन कई लोगों को ये पता नहीं है कि स्कीम की कुछ शर्तों के उल्लंघन पर सरकार सब्सिडी वापस ले सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दूसरे चरण हाल ही में शुरू किए गए हैं, अब सरकार इनकी सब्सिडी वापस दे सकती है। योजना के तहत परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक सब्सिडी दी जाती है, इसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल हैं। जब सब्सिडी समाप्त हो जाती है तो लोन लेने वाले को मूल ब्याज दर पर लौटना पड़ता है, इसमें ईएमआई बढ़ोतरी होती है। आप मौजूदा होम लोन पर पीएमआई सब्सिडी का लाभ नहीं उठा सकते, ऐसे में सरकार आपकी सब्सिडी वापस ले सकती है। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।